उन मरीजों एवं साथियों को कुछ आज के परिप्रेक्ष्य में बताना चाहता हूं, विशेषतः उनको जिनको डायबिटीज मेलिटस भी है। जैसा कि आपको पता है, कोरोना वायरस की महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है और वायरस से होने वाली बीमारी जिसका हमारे पास कोई इलाज नहीं होता, सिर्फ बचाव ही उसका तरीका है, या हम नेचुरल अपने बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करें इस वायरस के खिलाफ जो हमें बीमारी से बचा सकता है। एक तरह का फ्लू लाइक बीमारी जिसमें बुखार, बदन दर्द, जुकाम, खांसी, बाद में सूखी खांसी और सांस का फूलना शुरू हो जाता है, जिसमें मरीज को प्राथमिक चिकित्सा के बाद यहां तक कि वेंटिलेटर पर भी लेना पड़ता है और विभिन्न दवाइयों से उसका इलाज करना पड़ता है। इस बीमारी से बचने के लिए जैसा कि बार बार बताया जा रहा है कि डिस्टेंस रखना चाहिए, जिन लोगों को ये बीमारी है उनसे कम से कम 1 मीटर की दूरी पर रहा जाए, क्योंकि ये बीमारी खांसने और छींकने के बाद जो वायरस के ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उनके संपर्क में आने से फैलती है। इसलिए बचने के लिए हमको बार बार नाक और मुंह को हाथ नहीं लगाना चाहिए और अपने हाथ को बार बार 20 से 30 सेकंड तक साबुन से धोना चाहिए। अपने मुंह पे मास्क का इस्तेमाल करें जब हम पब्लिक प्लेस में जाते हैं या किसी बीमार के पास जाते हैं, खासतौर से वे मरीज जिनको जुकाम, खांसी, बुखार हो रहा है इस मौसम में, वे अपने चेहरे पे 3 प्लाई वाला मास्क लगाएं ताकि वो अपनी बीमारी ना तो अपने नजदीकियों को ना शहर में जाने पर किसी दूसरे को दे पाए। सैनिटाइजेशन इज की फैक्टर फॉर किलिंग द बैक्टीरिया विच इज डन बाय वायरस, जो हम 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से करते हैं। तो 3 बातें हमको विशेष ध्यान रखनी है। अपने आप को बीमारी से बचाना है तो मुंह को ढककर रखना है, साबुन से बार बार हाथों को धोना है, किसी भी चीज को अगर हम टच करते हैं तो साबुन से हमारे हाथों को वॉश करना चाहिए। इसके अलावा जब हम किसी के संपर्क में आते हैं तो तुरंत हमको एक्शन लेना चाहिए। वर्तमान में इस बीमारी का कोई इलाज संभव नहीं है, सिर्फ हमको लक्षण और जो परिस्थिति उत्पन्न होती है उसके ऊपर इसका उपचार करना पड़ता है। खासतौर से मैं आज ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो मरीज डायबिटीज की बीमारी से ग्रसित हैं और जिनको डायबिटीज है, जैसा कि हम जानते हैं डायबिटीज जब हमारे को होती है तो हमारे सारे शरीर के सिस्टम्स धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। डायबिटीज का असर हमारे दिल पर, गुर्दे पर, इम्यून सिस्टम पर पड़ता है, जिसके कारण हमारी शरीर को बीमारी जल्दी पकड़ने की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। ऐसी स्थिति में अगर हम कोरोना वायरस के संपर्क में आते हैं तो हमको ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है, न केवल डायबिटीज परंतु सांस के मरीज, ब्लड प्रेशर के मरीज, दिल के मरीज, या जो मरीज कैंसर का इलाज लेते हैं या जिनके अंदर बीमारी से लड़ने की ताकत कम होती है, उन लोगों में ये वायरस ज्यादा खतरनाक रूप ले सकता है। खासतौर से हम बात करेंगे डायबिटीज के मरीजों के लिए। जैसा कि हम जानते हैं, जिन लोगों को डायबिटीज है उनको लगातार हमेशा सारी जिंदगी दवा की जरूरत पड़ती है, उनको खान पान का परहेज रखना पड़ता है, उनको एक्सरसाइज, योग आदि चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसी हालत में जब हम लॉकडाउन का पीरियड देख रहे हैं या कोरोना वायरस का पेंडेमिक चल रहा है, हमको ये खास ध्यान रखना है कि डायबिटीज के मरीज अपनी दवा को बंद ना करें। अगर वो घर के अंदर हैं तब भी वो अपनी दवा को किसी हालत में बंद ना करें और लॉकडाउन की अवस्था में अपने पास उचित दवा का स्टॉक रखें, ताकि समय आने पर अगर बाजार से दवा नहीं मिले तो वो दवा का इस्तेमाल कर सकें। दवा की मात्रा जो लेते हैं वो चलता रहेगा, लेकिन उसके साथ अपने पास ग्लूकोमीटर, ब्लड प्रेशर नापने की मशीन अवश्य रखें। जो लोग इंसुलिन लेते हैं वो इंसुलिन का पर्याप्त स्टॉक रखें। ये इसलिए जरूरी है कि अगर हमको लगातार मेडिसिन ना मिलेगी तो हम डायबिटीज को बिगड़ने का खतरा पैदा हो सकता है। हम लोगों को इस लॉकडाउन पीरियड में, कोरोना के पेंडेमिक के टाइम में, खास तौर से खान पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हम घरों के अंदर बैठे हुए हैं, हम लोगों की फिजिकल एक्सरसाइज थोड़ा कम हो गई है और घर में बार बार हम खाने की तरफ दौड़ते हैं, ऐसी अवस्था में ज्यादा कैलोरीज जाने से हमारा शुगर का लेवल बिगड़ सकता है, जो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। अतः खान पान पर विशेष ध्यान रखें, ज्यादा तला हुआ, ज्यादा चटपटा और भारी खाना ना खाएं, जिसको हजम करने में हमको दिक्कत होती है। खाने पीने का रूटीन हमारा वही रहना चाहिए
जैसे हम सुबह नाश्ता करते हैं 11-12 बजे के आसपास हल्का स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं, उसमें हम फल ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं, संतरा मौसमी ले सकते हैं, और 2-2:30 बजे के आसपास हम अपने लंच को लेंगे। शाम को फिर 4-5 बजे के आसपास हम चाय बिस्कुट ले सकते हैं, मठा पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, और रात को खाना 8-9 के बीच में खाएं। खासतौर से हमको अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करके प्रोटीन की मात्रा, स्प्राउट की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, जो हमको इस स्ट्रेस के टाइम में बीमारियों से बचाने की एक अच्छी कोशिश रहेगी। हम जो एक्सरसाइज करते थे, डायबिटीज के मरीज बाहर पार्क में जाते थे, वॉक करते थे, वो चूंकि लॉकडाउन का पीरियड संभव नहीं है, इसलिए डायबिटीज के मरीजों से मेरा अनुरोध है कि वो अपने घर पर ही विभिन्न एक्सरसाइज करें, जिसमें खास तौर से वॉक की एक्सरसाइज, योग प्राणायाम की एक्सरसाइज है, जो आपको बॉडी को इम्यूनिटी भी देगी और आपके अंदर एक जज्बा पैदा करेगी बीमारी से लड़ने का। इस तरह से आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल जो हमारा चेंज हो रहा है, इसमें हमको विशेष ध्यान रखना है कि समय से सोना, समय से उठना और समय से खाना अति आवश्यक है। हम देर तक अगर जागते हैं तो फिर हमको दिक्कत हो सकती है, ऐसी अवस्था में हमको टाइम से सोना चाहिए और नींद कम से कम 6-8 घंटे की पूरी करनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। अपने वजन को इस पीरियड में बढ़ने ना दें। जो चीजें हमारी कैलोरी फ्री हैं, जिन चीजों से हमारा वजन नहीं बढ़ता, जो आराम से हजम हो सकती हैं, वो हम खाएं। वो चीजें क्या हैं? जैसे छाछ, फल, हरी सब्जियां, सलाद, इसका इस्तेमाल ज्यादा करें। और घर में चना मूंग मोट है तो इसको भी आप रात को भिगो के हल्का सा सुबह उबाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा कैलोरीज वाली चीजें एवं ज्यादा फैट वाली चीजों को ना इस्तेमाल करें, जैसे मक्खन है, घी है, या ज्यादा जो आप तला हुआ खाना ना खाएं, आलू ना इस्तेमाल करें। इसके बाद आता है लाइफस्टाइल में क्या चेंज करें। देखिए, आप घर के अंदर बंद अवस्था में हैं, बाहर जा नहीं सकते, लोगों से मिल नहीं सकते, तो इस समय सबसे अच्छा आपका साथी है आपका परिवार और आपकी बुक्स, किताबें। किताबों को आप स्टडी करने से आप, एक तो आपकी नॉलेज बढ़ती है और दूसरा आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि मेरे को ये आता है, मेरे को ये मालूम है, तो उससे आपको आगे लाइफ में बहुत फायदा होने वाला है। जिस परिवार के साथ आप बैठने के लिए हमेशा तरसते थे, अब आपको उस परिवार के साथ मिलकर बैठने का समय मिला है, तो आप उनके साथ बैठिए, अच्छी अच्छी बातें करिए और ध्यान से एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाते हुए आगे बढ़े, ताकि आपको खुशी रहे। स्ट्रेस, एक तो वायरस बीमारी का डर, दूसरा बिजनेस खत्म हो गया उसका डर, और तीसरा घर में बैठे रहने की वजह से बोरियत, ये स्ट्रेस का मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है। अगर आप धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं, अगर आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तो आपका सबसे बड़ी ताकत ईश्वर की भक्ति, ईश्वर में विश्वास और अपने धार्मिक कार्यों को करना होगा, जो आपको आत्मबल देंगे, जिनसे आप किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। अगर इसके अलावा आप अपने घर के अंदर बच्चों के साथ पढ़ाई की बातें कर सकते हैं, छोटे बच्चे जिनको आप नहीं टाइम दे पाते थे, उनके साथ पढ़ें, उनसे अच्छी अच्छी बातें करें और अपनी अच्छी धार्मिक पुस्तकों को उन तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी ये महसूस हो कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमारे कितने काम। इसके बाद आता है ड्रग स्टोरेज, मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया। लाइफ स्टाइल आपको हो गया, योग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, डायबिटीज को कंट्रोल करना है सबसे ज्यादा जरूरी इस अवस्था में है, जब आप डॉक्टर के पास बहुत जल्दी जल्दी चेकअप के लिए नहीं जा सकते, अपने फिजिशियन से, अपने डायबिटोलॉजिस्ट से, अपने डॉक्टर से संपर्क बना के रखें, ताकि समय समय पे आप उनसे सलाह लेते हुए अपनी शुगर उनको बताते हुए और दवाई में अगर कुछ आपको घटाना बढ़ाना है तो उसको कर सके। ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, संपर्क में रहना पड़ेगा। इसके बाद लास्ट जो मैं कहना चाहूंगा कि स्टे काम, अपने आप को बिल्कुल कूल और काम रखें। मूल मंत्र जीवन का यही है कि अगर आप काम कूल हैं तो आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और आप अपनी बीमारी से अच्छी तरह लड़ सकते हैं, अपने एकांतवाद से लड़ सकते हैं। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि इम्यूनिटी यानी बीमारी से लड़ने की ताकत, अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली छोटी छोटी बीमारियां आपसे दूर रहेंगी। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप योग, एक्सरसाइज और कुछ आयुर्वेदिक घरेलू उपचार भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं,
जैसे हल्दी है, लौंग है, काली मिर्च, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल रखें और अपने घर के अंदर सुख शांति रखें। ये समय जो आया है ये भी चला जाएगा, और इस समय से हमको एक बात सीखने को मिली कि हम हर परिस्थिति में रहने के लिए अपने आप को तैयार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।